हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट की मेजरमेंट के हवाले से डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से पढ़ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। रीड करते हैं सवाल को। कहता है, हुक्कानी लिमिटेड परचेस अ जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 3 मिलियन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 2.1 मिलियन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। हमारे पास एक कंपनी है हुक्कानी लिमिटेड के नाम से, जिन्होंने एक जीरो कूपन बॉन्ड परचेस किया है, 3 मिलियन की फेस वैल्यू है और 2.1 मिलियन की डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय किया है। अब देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? सर, जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कोई कूपन की पेमेंट्स नहीं होती, जिसमें कोई कूपन का कैश फ्लोस नहीं होता। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर कोई कूपन पेमेंट्स नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट की कोई पेमेंट्स ही नहीं है, तो फिर इन्वेस्टर जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अर्न कैसे करेगा? सर, चूंकि जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन की कोई पेमेंट नहीं होती, इंटरेस्ट की कोई पेमेंट्स नहीं होती, तो जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, या फिर इसकी रिडेम्पशन, इसकी मैच्योरिटी प्रीमियम पे हो रही होगी। क्योंकि अगर एक चीज डिस्काउंट पे इशू की जाए या प्रीमियम पे मैच्योर या रिडीम हो रहा, तभी तो इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम ओवर द टेन्योर, ओवर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अर्न हो रही होगी। तो जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कोई कूपन का कैश फ्लो नहीं होता। तो 3 मिलियन की फेस वैल्यू और हमने 2.1 मिलियन की डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया। कहता है, इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इज 5,000 और 5,000 रुपए की हमारी इशू कॉस्ट यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 इयर्स एट पार, 3 साल के बाद ये पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। एंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 12.536% और 12.536% का हमारे पास इफेक्टिव रेट है। कहता है, जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इफ द बॉन्ड इज क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हमने जनरल एंट्रीज बनानी है अगर ये बॉन्ड हमारा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में क्लासिफाई हो। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास कंपनी का नाम आ गया हुक्कानी लिमिटेड। देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड के कैश फ्लोज को प्लॉट करूं, तो इस बॉन्ड के कैश फ्लोज क्या होंगे? सर, हमने ईयर जीरो पे परचेस किया, 1 साल 2 साल और 3 साल बाद ये रिडीम होगा, 3 साल के बाद ये मैच्योर होगा। डे वन पे हमने इसको परचेस किया है 2.1 मिलियन की डिस्काउंटेड प्राइस पे, और परचेस करने के लिए हमने इस पे 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है, और 3 साल के बाद हमें मैच्योरिटी वैल्यू, फेस वैल्यू रिकवर होगी। तो डे वन पे हमारे पास 2.105 मिलियन का आउटफ्लो है और 3 साल के बाद हमें 3 मिलियन का इनफ्लो होगा। देखिए, यहाँ पे एक ही आउटफ्लो और एक ही इनफ्लो है, तो हम यहाँ पे IRR, जो कि सवाल में ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन हम चाहें तो IRR कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम IRR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर, हमने एक फॉर्मूला कवर किया है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का, कि S=P(1+I)n। तो यहाँ पे S की जगह 3000 आ जाएगा, 3 मिलियन आ जाएगा, P की जगह 2105 आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट हमें मालूम करना है और 3 साल का अकाउंटिंग पीरियड है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो आपके पास इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा 12.536%। ऑल्दो कि ये सवाल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने आपको बताया कि IRR किस तरह से वर्कआउट होता है। कि अगर आप कैश फ्लो टर्म में देखें ना, आज आपने 2105 इन्वेस्ट किए, 3 साल बाद आपको 3000 मिलेंगे, तो कैश फ्लो टर्म में आपने कितना कमाया है? 3000 माइनस 2105, कैश फ्लो टर्म में हमने कमाया है इस इन्वेस्टमेंट से 895। तो अब ये IRR क्या है? ये IRR इस 895 की ही इनकम को, जो कि इफेक्टिवली हमारी इंटरेस्ट इनकम है, इसे कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट के साथ इन 3 सालों पे अलोकेट कर देता है। अगर मैं इसका एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाऊं, तो हमारे पास इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 3 साल है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। डे वन पे इसको हमने रिकॉर्ड किया 2.1 मिलियन और 5,000, तो 2105। IRR है हमारे पास 12.536%। तो ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे अगर हम 12.536% अप्लाई करें, तो ये आता है हमारे पास 263.9। हमने इंटरेस्ट वर्कआउट किया, जो कि आपकी डेट इस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। अब चूंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इसमें कूपन का कोई कैश फ्लो नहीं है, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 2368.9। पहले साल का क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बनेगी 2368.9। फिर इसी पे 12.536% से हमारे पास दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम आएगी, तो यार हमारे पास 297। इसमें हम ओपनिंग ऐड करें 2368.9, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा
2665.9। दूसरे साल की क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट तीसरे साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बनेगी 2665.9। इस पे हम इंटरेस्ट वर्कआउट करें 12.536% से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 334.1। और इस 334.1 के इंटरेस्ट में अगर हम ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट ऐड करें तो ये हमारे पास क्लोजिंग 3 मिलियन आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो आईआरआर यहाँ पे गिवन था, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके भी बताया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल आउटफ्लो सिंगल इनफ्लो था। अब हमने इसकी जनरल एंट्रीज बना लेनी है। सबसे पहले ईयर जीरो पे आपने ये इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो ईयर जीरो पे डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट 2105। मैं जनरल एंट्रीज रुपीज इन थाउजेंड्स में बना रहा हूं, लिख देता हूं ये बात यहां पे। पहले साल के आखिर में सर, अब जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट का कैश फ्लो नहीं है, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है सिर्फ वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट अमोर्टाइज कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम हमारा पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। पहले साल की इंटरेस्ट इनकम है 263.9। इसी तरीके से दूसरे साल के आखिर में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट इनकम आपके पास पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम है 297। इसी तरीके से तीसरे साल में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट, तीसरे साल की इंटरेस्ट इनकम है 334.1। और चूंकि अब इस डेट इन्वेस्टमेंट के 3 साल पूरे हो गए, ये अपनी मेच्योरिटी पे आ गया, तो अब ये मेच्योरिटी पे रिडीम हो जाएगा 3 मिलियन की प्राइस पे। ईयर 3 पे ही कैश डेबिट हो जाएगा 3 मिलियन और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा 3 मिलियन। तो यहां तक हमारा ये सिंपल सा सवाल था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।